Welcome to Oxford Junior English Translation by Professor R.K. Sinha course. We will solve 201 Hindi to English translation exercises in this course. If you want to solve all exercises, then contact 9051378712. इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास में दिए जाएंगे. तो आइए करते हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 2 ऑफ 201. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. वह भूखा है. फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दोनों लिखेंगे. ही इज हंग्री. शॉर्ट फॉर्म इज हंग्री. ठीक है, ओके. लेसन वन में हम इज एम आर का आपको स्ट्रक्चर बताए थे, तो आइए यहाँ पे भी हम आपको बता देते हैं वापस. ठीक है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा. ओके, आई के साथ लगता है एम. शॉर्ट फॉर्म है आई एम. नेगेटिव है आई एम नॉट. ही इज शॉर्ट फॉर्म हिज. नेगेटिव ही इज नॉट. शॉर्ट फॉर्म ही isn't. She is. She is negative. She is not. Short form. She isn't. It is. It. Short form ho gaya. Negative. It is not. Short form. It isn't. You are. Short form. You are. Negative. You are not. Short form. You aren't. We are. Short form. We are. Negative. We are not. Short form. We aren't. They are. Short form. They are. Negative. They are not. Short form, they aren't. अब यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान देना है. देखिए, is not का short form होता है isn't. Are not का short form होता है aren't. ठीक है, ये सब लिख के रखिए. ये आपको आए के lessons में और इस lesson को solve करने में भी बहुत help आएगा. Okay. Second करते हैं. वे लोग व्यस्त हैं. They are busy. Short form, they are busy. Ta lambi hai. Ta is tall. Main lamba hoon. I am tall. Short form, I'm tall. Ab yahan Sita is ke saath Sita's mat kar dijiye. ठीक है, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. जहां शॉर्ट फॉर्म आएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा. वह मोटी है. ही इज फैट. ही इज फैट. वह लंबी और मोटी है. ही इज टॉल एंड फैट. ही इज टॉल एंड फैट. मोहन डरपोक है. मोहन इज टिमिड. मोहन इज कावर्ड. आगे देखिए. वह पागल है. ही इज क्रेजी. इज क्रेजी. ठीक है, इसका और आप कर सकते हैं. ही इज मैड. इज मैड. मैं दयालु और ईमानदार हूं. आई एम काइंड एंड ऑनेस्ट. शॉर्ट फॉर्म आई एम काइंड एंड ऑनेस्ट. ठीक है, राम और श्याम
तेज है। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। अभी मैं आगे आपको वोकैबुलरी भी लिखवाऊंगा, ठीक है। माँ तैयार है, मदर इज रेडी। नेक्स्ट, पिताजी व्यस्त हैं, फादर इज बिजी। बच्चे भूखे हैं, द चिल्ड्रन आर हंग्री। गाय काली है, द काउ इज, गायें काली हैं, द काउज आर ब्लैक। घोड़े अच्छे हैं, द हॉर्सेस आर गुड। वे लोग युवा हैं, दे आर यंग। शॉर्ट फॉर्म, दे आर यंग। आगे देखिए, तुम लोग बुरे हो, यू आर बैड, यू आर बैड। यह मीठा है, दिस इज स्वीट। यह काला है, दिस इज ब्लैक। यह भूरा है, दिस इज ब्राउन। आप धनी और स्वस्थ हैं, यू आर रिच एंड हेल्दी। शॉर्ट फॉर्म, यू आर रिच एंड हेल्दी। राम और श्याम युवा और स्वस्थ हैं, राम एंड श्याम आर यंग एंड हेल्दी। ठीक है, आइए अब हम लोग इसका वोकैबुलरी लिखते हैं। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 2 ऑफ 201 वोकैबुलरी। ठीक है, व्यस्त बिजी, लंबा टॉल, मोटा फैट, डरपोक टिमिड कावर्ड, पागल मैड क्रेजी, दयालु काइंड, ईमानदार ऑनेस्ट, तेज इंटेलिजेंट, तैयार रेडी, काला ब्लैक, युवा यंग, बुरा बैड, मीठा स्वीट, बुरा ब्राउन, स्वस्थ हेल्दी। ठीक है, अब वोकैबुलरी लिख लिए, अब आगे आइए कुछ और सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखिए। सॉल्व्ड एग्जांपल, अब कुछ चीज़ें हैं जो जान लीजिए। ये एक पूरा सीरीज़ है, ठीक है, कोर्स का। इसमें 201 वीडियो, तो हर एक वीडियो दूसरे वीडियो से थोड़ा बहुत मिलता है। अब ये जो लेसन है, इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में हम वीडियो 1 में बताए थे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं लाइन से सब पढ़ना, वो दिए हुए नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं सब कुछ आपको दूंगा, ठीक है। मैं युवा और स्वस्थ हूँ, आई एम यंग एंड हेल्दी। शॉर्ट फॉर्म, आई एम यंग एंड हेल्दी। तुम धनी और दयालु हो, यू आर रिच एंड काइंड, यू आर रिच एंड काइंड। वे लोग थके और भूखे हैं, दे आर टायर्ड एंड हंग्री, दे आर टायर्ड एंड हंग्री। मोहन और सोहन उदास हैं, मोहन एंड सोहन आर सैड। पिताजी तैयार हैं, फादर इज रेडी। माँ व्यस्त है, मदर इज बिजी। बच्चे खुश हैं, द चिल्ड्रन आर हैप्पी। घोड़े अच्छे हैं, द हॉर्सेस आर गुड। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन हमारा नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन 3